याद है तो मैंने हीट सेक्शन कंप्लीट किया था, थर्मोडायनामिक्स किया था लास्ट टाइम। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से पहले भी हीट के काफी लेक्चर्स हुए थे। अभी आई थिंक हीट का इनफ कॉन्टेक्ट है आपके पास। हीट में मैंने दो टॉपिक स्किप किए हैं, वो बता देता हूँ मैं। वो दो टॉपिक वही स्किप किए हैं मैंने जो 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं, और इजी टॉपिक है, आप खुद कर सकते हो। जो टॉपिक मैंने हीट में स्किप किए हैं वो टॉपिक्स हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस और उसके साथ साथ रेडिएशन पार्ट। ठीक है, ये दो टॉपिक्स। रेडिएशन में ये सब आता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और वो सब। एमसीक्यू आप करके देखो, 12th में आपने किए हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, हीट आप करके देखो, जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। ओके, हीट में जो भी 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक थे या जो भी डिफिकल्ट टॉपिक थे इंक्लूडिंग थर्मोडायनामिक्स, वो मैंने करा दिया था। टुडे वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, पुट द हेडिंग वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में आपका जो ये 12th स्टैंडर्ड है उसके दो चैप्टर इंक्लूड होते हैं। 12th स्टैंडर्ड के जो दो चैप्टर्स हैं, एक था, अगर आपको याद है, एक था वेव थियोरी ऑफ लाइट और दूसरा था इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन। ओके, ये दोनों इसी में इंक्लूड होते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा कंटेंट बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। लेट्स सी द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले आपका जो है वो है हाइजेंस वेव थियरी। हाइजेंस वेव थियरी सिंपल टॉपिक है, हाइजेंस वेव थियरी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थियरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी प्रूवन। प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थियरी, ये भी आता है सीट में। तीसरा जो है आपका, वो आपका है इंटरफेरेंस, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चौथा टॉपिक इसमें आता है डायफ्रेक्शन, डायफ्रेक्शन टॉपिक। और पांचवा एक टॉपिक और आता है विच इज पोलराइजेशन। ये पांच टॉपिक्स कवर करने होते हैं। ठीक है, ये पांच टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो वेव ऑप्टिक्स हो जाता है इसमें। ठीक है, आज मैं ट्राई करूंगा पहले जो तीन टॉपिक्स हैं, फर्स्ट थ्री टॉपिक्स, उनको कवर करने का। रिमेनिंग टू टॉपिक वी कैन कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग, वेव ऑप्टिक्स। इतना तो आपको पता है दैट ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक्चुअली क्या होता है, इट्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी ही है एक तरीके से। अब जब लाइट को, आपको ये पता है कि लाइट को ड्यूअल नेचर होता है, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। ठीक है, अगर आप लाइट को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हो, यू आर अज्यूमिंग लाइट इज अ वेव, लाइट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। सो स्टडी ऑफ लाइट बाय अज्यूमिंग इट एज अ वेव, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव की तरह अज्यूम करते हैं, मतलब यहाँ पे लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ये आता है टॉपिक, जो न्यूटन थे, न्यूटन ने सबसे पहले अराउंड 400 ईयर्स बैक, न्यूटन ने सबसे पहले ये बोला था कि लाइट पार्टिकल है। उस पार्टिकल को न्यूटन ने नाम दिया था, ही सेड लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एंड ईच सिंगल पार्टिकल ही नेम एज कॉर्पस्कल। लाइट को न्यूटन ने पार्टिकल की तरह अज्यूम किया था। न्यूटन सेज लाइट इज अ पार्टिकल, उस पार्टिकल को उसने नाम दिया था कॉर्पस्कल। तो इस थियरी को बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी। ठीक है, अगर मैं थियरी का नाम लूं तो इसको कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल तो, दैट इन द न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी लाइट इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। लाइट को ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में अज्यूम कराया जाता है। ईच सिंगल पार्टिकल इज नोन एज कॉर्पस्कल। ठीक है, ज्यादा ये कुछ है नहीं डिटेल में,
न्यूटन वॉज अ फर्म बिलीवर दैट लाइट इज अ पार्टिकल. ओके, उसके बाद न्यूटन के बाद जो एक साइंटिस्ट आए उनका नेम था हाइगन. इट इज हाइगन, बट बहुत सारे स्टूडेंट हाइजिन कहते हैं, इट्स हाइगन एक्चुअली. नेक्स्ट टॉपिक है हाइगन करके एक साइंटिस्ट था. हाइगन ने कहा था कि लाइट वेव है. हाइगन वॉज अ बिलीवर दैट लाइट इज अ वेव. अभी हम लोग वही देखेंगे, हाइगन्स वेव थियरी ऑफ लाइट. ठीक है, अब हाइगन ने दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. ही इंट्रोड्यूस टू न्यू टर्म्स, वन इज वेव फ्रंट, एक टर्म है वेव फ्रंट और दूसरा है वेव नॉर्मल. ही इंट्रोड्यूस टू न्यू वर्ड्स, वन इज वेव फ्रंट, अदर इज वेव नॉर्मल. नाउ आई होप आपको वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल में डिफरेंस पता है. You know the difference between them, right? Wave front क्या होता है, याद है? Wave front is a collection of all those points where light wave arrives at a given time. Wave front मुझे पक्का यकीन है आपको याद होगा. Just idea देता हूँ मैं wave front का. In case कोई भूल गया है तो देखो wave front क्या होता है. Imagine this S is a source of light. ये light का source है. बट कैसा दिख रहा है ये? इट इज लुकिंग लाइक अ पॉइंट. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब इस पॉइंट में से लाइट आ रही है. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है बल्ब. ठीक है, बल्ब को हम लोग एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं. बल्ब इज लाइक अ पॉइंट सोर्स, यहां से लाइट निकलेगी. लाइट विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन. लाइट अगर सारे डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, इफ इट इज ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, हर डायरेक्शन में अगर ये सेम स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो ये जो मीडियम है, द मीडियम इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग, दिस मीडियम इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक मीडियम. आइसोट्रोपिक मीडियम वो होता है जिस मीडियम में लाइट की जो स्पीड रहती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है. आइसोट्रोपिक मीडियम, तो ये आइसोट्रोपिक मीडियम है, मतलब इसमें लाइट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, लाइट की स्पीड फिक्स रहेगी. ठीक है, सपोज ये लाइट की स्पीड सी है, द स्पीड ऑफ दिस लाइट इज सी. ठीक है, अगर लाइट की स्पीड सी है, सो इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड, इन द टाइम ऑफ टी सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट विल बी सी टी. अगर लाइट का स्पीड सी है तो टी टाइम में लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस होगा सी टी. हाउ सी टी? डिस्टेंस कवर्ड इज नथिंग बट स्पीड इन टू टाइम. डिस्टेंस कवर्ड होता है स्पीड इन टू टाइम. ये मैंने किया स्पीड इन टू टाइम. ठीक है, तो सपोज लाइट यहां पे रीच हुई है, लाइट हैज रीच्ड टू ऑल दिस पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पे लाइट रीच हुई है. अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूं, तो ये जो मैंने सरफेस बनाई, द सरफेस आई मेड बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स, ये जो सरफेस मैंने बनाई, द सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट. सर्फेस इज नोन एज वेव फ्रंट. या आप में से कोई बता सकता है जो वेव फ्रंट है? इट्स अ वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स ने ये वेव फ्रंट बनाया. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वेव फ्रंट? टेल मी, ये वेव फ्रंट की शेप क्या है? एनीबॉडी? स्फीयर. हाँ, कौन बोल रहा है? एलन. हाँ ठीक है, एलन करेक्ट है. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये सर्कुलर होगा. नहीं, ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है. एक चीज याद रखो, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट गिव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा. सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इफ आई हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स, इट गिव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर हैविंग सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट इट गिव्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ठीक है, पॉइंट सोर्स गिव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल सोर्स गिव्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के अलावा एक और शेप का वेव फ्रंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट. There's also one more wave front, which is plane wave front. ठीक है, ये तीन टाइप के वेव फ्रंट होते हैं. अब
वेव नॉर्मल क्या होता है? वेव नॉर्मल इज नथिंग बट अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट. वेव नॉर्मल इज अ नॉर्मल, मतलब वेव नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट. सी, आपको याद होगा ये वेव नॉर्मल भी, ये जो वेव फ्रंट है, यू पिक अप एनी वन पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द वेव फ्रंट थ्रू दिस पॉइंट. अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊं, सी दिस, हियर आई ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ऑन द वेव फ्रंट. द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट इज नोन एज वेव नॉर्मल. वेव नॉर्मल वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. वेव नॉर्मल का इंपॉर्टेंस क्या है? वेव नॉर्मल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ठीक है, वेव नॉर्मल सपोज इस तरफ है, इससे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पता चलता है. वेव नॉर्मल इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सो आई होप ये सब याद है आपको. ठीक है, इसके बाद ये था हाइगेंस वेव थियरी. ठीक है, हाइगेंस वेव थियरी में ऑब्वियसली लाइट को क्या अज्यूम किया है? वेव अज्यूम किया है. ठीक है, मैं अभी आपको लास्ट हाइगेंस थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ इसकी अच्छी पॉइंट सक्सेस दोनों बता देता हूं. इफ आई टेल यू अबाउट सक्सेस ऑफ दिस हाइगेंस थियरी, हाइगेंस थियरी की सक्सेसफुल पॉइंट्स बताऊं, तो पहली पॉइंट ये है कि यूजिंग हाइगेंस थियरी वी कैन एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमेनास. हाइगेंस थियरी यूज करके हम लोग बहुत सारी फिनोमेनास जो हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन हो सकती है वो मैं बता रहा हूं. सच एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखो, क्योंकि ये जो सारी फिनोमेना मैंने लिखी है ना, इन सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव अज्यूम करना पड़ता है. एंड हाइगेंस वाज अज्यूमिंग लाइट इज अ वेव, तो हेंस हाइगेंस वाज एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस फिनोमेना. ये हाइगेंस की सक्सेस है. ठीक है, हाइगेंस ने अपनी, हाँ, इसका सेकेंड पॉइंट भी मैं बता रहा हूँ सक्सेस का. द सेकेंड पॉइंट इन द सक्सेस इज दैट हाइगेंस प्रूव्ड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज लेस एज कंपेयर टू रेयर मीडियम. आपको पता है ये चीज, लाइट का जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाता है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम. इट वॉज प्रूवन बाय हाइगेंस ऑल्सो. हाइगेंस वॉज एबल टू प्रूव, या हाइगेंस वेव थियरी वॉज एबल टू प्रूव दैट लाइट स्पीड इज लेसर इन द डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू रेयर. ये पॉइंट हाइगेंस ने एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग हाइगेंस थियरी. तो ये हाइगेंस के सक्सेस है. हाइगेंस के ड्रॉबैक्स क्या है अभी मैं वो बता देता हूँ. वॉट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हाइगेंस थियरी? सीईटी में ये आ सकता है क्वेश्चंस, क्योंकि ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में आता है. इन द 12th स्टैंडर्ड ये टॉपिक आता है, तो सीईटी में आ सकता है ये कौन सा ड्रॉबैक है, कौन सा ड्रॉबैक नहीं है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो पे अटेंशन. ड्रॉबैक्स में क्या आएगा? यूजिंग हाइगेंस थियरी वी कैनॉट एक्सप्लेन, वी कैनॉट एक्सप्लेन सम फिनोमेनास. कुछ फिनोमेनास हैं विच वी कैनॉट एक्सप्लेन यूजिंग हाइगेंस थियरी. कौन सी फिनोमेनास हैं? द फिनोमेनास लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और एक होती है कॉम्प्टन इफेक्ट, जो आपके सिलेबस में नहीं है. कॉम्प्टन, COMPTON, कॉम्प्टन इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, ये ऐसी फिनोमेनास है जो नहीं एक्सप्लेन कर सकते यूजिंग हाइगेंस थियरी. बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना जो है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल लेना पड़ता है. वी हैव टू ट्रीट द लाइट एज अ पार्टिकल, फोटॉन्स. लेकिन यहाँ पे हाइगेंस ने लाइट को वेव अज्यूम किया था, हेंस ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेनास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्प्टन इफेक्ट. ठीक है, ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्प्टन इफेक्ट. सो आई होप ये क्लियर है. दिस इज हाइगेंस थियरी. इतना पॉइंट्स याद रखो हाइगेंस में एटलीस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आपको टेक्स्ट बुक में अगर आपने पढ़ा है ये टॉपिक, तो हाइगेंस क्या
थियरी के बाद देर वॉज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. यहाँ पे देखिए मैंने रिफ्रैक्शन का डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है. इट्स अ रिफ्रैक्शन. डायग्राम को 2 मिनट ध्यान से देखो. कुछ याद आया ऐसा कोई डायग्राम आपने बनाया था? इन द टेक्स्ट बुक इट इज देयर. इट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थियरी. अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑकर हो रहा है. ठीक है, रिफ्रैक्शन में आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होनी चाहिए इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. पहली फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ. यू शुड बी वेरी वेल अवेयर विथ स्नेल्स लॉ. ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ सेज साइन आर बाय साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. रिफ्रैक्शन में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन आर बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन. म्यू टू बाय म्यू वन इज सेम एज सी वन बाय सी टू. मुझे पता है आपको शायद ये फॉर्मूलास पता है ऑलरेडी, फिर भी एक बार रिविजन हो रहा है, आप नोट करके लो. जब भी चाहिए एक बार रिवाइज कर लेना इन फॉर्मूलास को. म्यू टू बाय म्यू वन इज सेम एज सी वन बाय सी टू. सी वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, सी टू इज द स्पीड इन सेकेंड मीडियम. नाउ सी वन सी टू आर द स्पीड ऑफ लाइट. ना आपको ये फॉर्मूला पता है, वी इक्वल्स टू एन लैम्बडा. ये फॉर्मूला पता है, इसमें वी क्या होता है? वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव. हियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय सी सिंबल. सो आई कैन राइट एन सी इक्वल टू एन लैम्बडा. लाइट के लिए मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल्स टू एन लैम्बडा. ये जो सी है इसको लिखेंगे एन लैम्बडा वन, और नीचे जो सी है उसको भी लिखो एन लैम्बडा टू. यहाँ पे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अपर मीडियम टू लोअर मीडियम. आपको याद होना चाहिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. हेंस दिस फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड मीडियम, एन एन कैंसिल होगा. सो ये फॉर्मूलाज याद रखो, साइन आर बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, इट इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू, इट्स इक्वल टू लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू. सब फॉर्मूला स्नेल्स लॉ में ही आती है. म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू, सी वन बाय सी टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू. इनपे कभी भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. एंड रिमेंबर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. आपने पढ़ा होगा. और ये फॉर्मूला याद करो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम is given by frequency of light into wavelength. तो ये हो गई first formula, Huygens theory. एक और formula है which is related to refraction. ये इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो PQ है, PQ, PQ is a wavefront of incident light. PQ is a wavefront है, PQ wavefront है, incident wavefront, and See the RS is a refracted wave front. RS is a refracted wave front. So यहाँ पे एक फॉर्मूला बनती है. See, cos I upon cos R, cos I by cos R is equal to, मैंने साइन आर बाय साइन आर नहीं लिखा है, पे अटेंशन, कॉस आर बाय कॉस आर इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय आर एस. पी क्यू इज अ विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट. पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? इट्स अ विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट. और ये आर एस क्या है? आर एस इज अ विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. तो यहां पे एक फॉर्मूला बनती है जो आपको याद होनी चाहिए, कॉस आर बाय कॉस आर इज इक्वल टू विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट डिवाइड बाय विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ये फॉर्मूला आपकी टेक्सटबुक में भी दी गई है.
स्टूडेंट आज मैं ज्यादा फॉर्मुला डिराइव नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मेनी फॉर्मुलाज आर देयर. डिराइव नहीं कर रहा हूँ बट एक एक चीज बता रहा हूँ फॉर्मूला के बारे में. अगर आपको किसी का भी डेरिवेशन चाहिए तो आप बाद में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली गिव यू डेरिवेशन. तो cos r / cos r इक्वल टू विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट. ये डायग्राम में PQ इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड RS इज अ रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट. PQ अपॉन RS इट इज. ठीक है, नोट डाउन दिस. ठीक है, ओके, क्लियर. ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी, इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, 12th स्टैंडर्ड ओल्ड टेक्स्ट बुक जो आपके आपका था. ठीक है, क्लियर. तो रिफ्रैक्शन में प्लीज आप ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखो, स्नेल्स लॉ एंड cos r / cos r की फॉर्मूला. ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेन टॉपिक से, विच इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. पुट द हेडिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. Interference of light. Now let's start. What is interference? वो आपको पता है. अगर मैं एकदम शॉर्ट में बोलू, इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू वेव्स. वेव्स से रिलेटेड एक फिनोमेना है, मतलब वेव्स शो इंटरफेरेंस. इन द इंटरफेरेंस द वेव्स कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस, द वेव्स मिक्स अप विद ईच अदर एंड सम रिजल्टेंट न्यू पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स. इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मतलब दो वेव्स का आपस में मिक्सअप होना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. नाउ इंटरफेरेंस जो होता है कोई भी वेव्स में हो सकता है, बट मतलब लॉन्जिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनी वेव्स कैन शो इंटरफेरेंस. बट हियर वी आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. लाइट वेव्स का जो इंटरफेरेंस है उस पर हमारा फोकस है. तो सबसे पहले इंटरफेरेंस में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंटरफेरेंस में क्या होता है. दैट इफ यू आर हैविंग S1 सोर्स ऑफ वेव, S1 इज अ सोर्स ऑफ वेव एंड S2 इज अ सोर्स ऑफ वेव. S1 एक सोर्स है वेव्स का और S2 इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वेव. तो S1 से वेव्स बाहर निकलती हैं ऐसे और S2 में से भी वेव्स बाहर निकलती हैं. ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है. ओवरलैपिंग रीजन में यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, ओवरलैप रीजन में एट सम प्लेसेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म्ड, एट सम प्लेसेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इन सबको मिला के दिस दिस पिक्चर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन सबको मिला के इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं. यहां पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. ठीक है, तो जब दो सोर्सेस लेते हैं, दोनों सोर्सेस की वजह से द रीजन इन विच दीज वेव्स ओवरलैप, जहां पे ये वेव्स ओवरलैप करती है वहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है. स्टूडेंट्स मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कैसे होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मीट करता है तो इट इज कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट मीट विद ट्रफ इट्स डिस्ट्रक्टिव, ये आपको पता है. तो यहाँ पे ऐसे याद करो, देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस. ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं वो अल्टरनेटली प्लेस्ड होते हैं. एक कंस्ट्रक्टिव के थोड़ा आगे जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव मिलता है, डिस्ट्रक्टिव के थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर से कंस्ट्रक्टिव मिलता है. दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आर अल्टरनेटली प्लेस्ड. उस पूरे चीज को इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं. दिस सेट ऑफ अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव and destructive interference, it is called as interference pattern. तो यहाँ पे इन दोनों sources के सामने अगर हम लोग screen रख दें, screen पे हमको interference pattern मिलेगा. ठीक है, सबसे पहला topic ये रहता है that you should know what are the conditions for, you should have an idea that what are the conditions for steady interference pattern. Okay, we have to study what are the conditions for steady interference pattern. Steady interference pattern matlab jahan jahan constructive or destructive interference ban rahe hain wo constant rehne chahiye. Jahan constructive ban raha hai wahan pe change nahi hona chahiye, it should always remain constructive. Jahan destructive hai it should remain destructive at that place only.
ये पूरा पैटर्न फिक्स रहना चाहिए. फिक्स्ड पैटर्न इज कॉल्ड एज स्टेडी पैटर्न. टुडे वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. आप में से अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ कंडीशंस पता है तो आप बता सकते हो. देर आर ऑलमोस्ट 4-5 कंडीशंस आर देयर. कैन यू टेल मी एनी वन कंडीशन फॉर गेटिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न? एनीबडी कोई कंडीशन बताओ. सर हाँ बोलो. Two sources of light must be coherent. Okay, so एक student बोल रही है कि two sources of light must be coherent. Can you tell me what do you mean by coherent sources? Coherent मतलब क्या होता है? Coherent मतलब same wavelength और same frequency वाला light. Okay. Sources. Same frequency and same wavelength. That's it. यही है coherent. कुछ और होता है क्या coherent में? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम वेवलेंथ. कोहरेंट मतलब आपने बोला सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ. और कुछ है क्या कोहरेंट में? ठीक है, मतलब और कुछ कंडीशन है कोहरेंट सोर्सेस की? कोहरेंट बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो. यहाँ पे हार्डली एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है, वो भी आधा अधूरा. बाकी स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है क्या? Anybody? कुछ conditions बताओ. What are the conditions for coherent sources? Sir. हाँ. दो सोर्स बहुत क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के. उनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए. हाँ. हाँ ठीक है. और कुछ? सर स्क्रीन के साथ उनका डिस्टेंस. अच्छा आप ही बताओ coherent क्या होते हैं. coherent मतलब क्या होता है sources? What do you mean by coherent sources? ठीक है. ओके सो अभी तक अच्छे से आंसर नहीं आ रहे हैं, ध्यान से सुनो. अभी मैं बता देता हूँ. सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. पहला कंडीशन है दैट जो आप सोर्सेज यूज करो ना, द टू सोर्सेज यू आर यूजिंग, द टू सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मतलब दोनों की जो लाइट दोनों से आ रही है, लाइट का वेवलेंथ सेम होना चाहिए. बोथ सोर्सेस should have same wavelength. Same wavelength को monochromatic कहते हैं. Monochromatic and same wavelength are meaning is same. दोनों का meaning एक ही है. तो दोनों sources same wavelength वाली light emit करने चाहिए. Second point, both sources must be coherent. Both sources must be coherent. अब ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस कोहरेंट पे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. मतलब एक स्टूडेंट को कोहरेंट का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कोहरेंट सोर्सेस, मैं वो बता देता हूँ. सी इफ यू आर हैविंग टू सोर्सेस, ठीक है, दोनों से जो लाइट निकल रही है, दोनों से जो लाइट निकल रही है, लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी सेम. एंड ऑल्सो ये जो लाइट S1 से आ रही है और जो लाइट S2 से आ रही है, इन दोनों लाइट के बीच में फेस का डिफरेंस हो सकता है. देयर कैन बी फेस डिफरेंस बिटवीन देम. S1 और S2 के बीच में फेस डिफरेंस हो सकता है. दैट फेस डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट. देखो S1 और S2 से जो भी लाइट आ रही है उसमें जो भी फेस डिफरेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए. Phase difference between S1 and S2 should not change with time. Phase difference must be constant. Then it is called coherent sources. See, एक example देता हूँ. अगर आपको last point में doubt है तो example देता हूँ. ध्यान से सुनना. Suppose ये जो S1 source है, S1 से जब एक crest release होता है, S1 से जब crest निकलता है, उसी time पे S2 में से trough release होता है. Suppose ऐसा है. तो जब S1 क्रेस्ट रिलीज करता है उस टाइम पे S2 ट्रफ रिलीज करता है, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों सोर्सेस में 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है. ओके अब अगर मैं एक मिनट के बाद या दो मिनट के बाद आके फिर से देखूं, तो दो मिनट के बाद भी इनमें 180 का ही फेस डिफरेंस होना चाहिए. अगर दो मिनट के बाद फेस डिफरेंस 180 का नहीं रह गया, 90 डिग्री का हो गया फेस डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा ये कोहरेंट नहीं है.
मतलब जब ये क्रेस्ट रिलीज कर रहा है, ये ट्रफ रिलीज कर रहा है, तो 10 मिनट के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी ये क्रेस्ट रिलीज करेगा, ये ट्रफ रिलीज करेगा, दोनों में जो रिलेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए. फेज डिफरेंस मस्ट बी कॉन्स्टेंट और इट शुड बी मेंटेन्ड. दिस इज एटलीस्ट कंपल्सरी कंडीशन फॉर गेटिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. तो कोहेरेंट सोर्सेस आर दोस सोर्सेस व्हिच एमिट्स द लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो द सोर्सेस मस्ट हैव अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस. मोनोक्रोमेटिक समझा, कोहेरेंट हो गया. लास्ट एक पॉइंट, आपने ये इंटरफेरेंस पढ़ा होगा. इंटरफेरेंस टॉपिक में स्मॉल डी इज अ सिंबल, स्मॉल डी इज अ सिंबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस. दो सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके लिए सिंबल होती है स्मॉल डी. और कैपिटल डी क्या होता है याद है? कैपिटल डी इज अ डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस फ्रॉम द स्क्रीन. कैपिटल डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड द स्क्रीन. कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ये है कि स्मॉल डी जो है वो स्मॉल होना चाहिए और कैपिटल डी लार्ज होना चाहिए. ठीक है, देखो ये एक्चुअली जो थर्ड कंडीशन है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पहली दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना तो भी हमें इंटरफेरेंस मिल जाएगा स्टेडी, खाली वो थोड़ा छोटा साइज का होगा. अच्छा विजिबल साइज का इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, विजिबल होना चाहिए. That's why we need these two. इनके बिना भी काम चल जाएगा, but first two conditions must be compulsorily satisfied. ठीक है? तो इनमें भी अगर मैं बताऊं, इन तीनों में से सबसे important condition, सबसे जरूरी condition है first and second. First and second के बिना possible ही नहीं है steady interference pattern. ये याद रखो at least. Keep these things in mind. Clear? Hearing? ठीक है. आगे बढ़ते हैं. I'm going ahead. See now. Interference में, in the interference, आपको ये याद होना चाहिए कि that S1, S2 are two sources of light. ये आपका screen है, let's suppose. Screen के यहाँ पे middle में हमें आता है central maxima. In the middle of the screen we get central maxima. Central maxima के बाद आता है first minima. Central maxima के नीचे भी आता है first minima. First minima के बाद क्या आता है? First maxima. और यहां पे भी first minima के नीचे क्या आएगा? First maxima. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखो. मिनिमा मैक्सिमा को हम लोग ब्राइट और डार्क भी बोल सकते हैं. नाउ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है मैं वो बता देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी. दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी. ओके नेक्स्ट सी, पहले तो आप ये चीज याद रखो स्मॉल डी कैपिटल डी. आगे बढ़ते हैं. अब आपको ये याद होगा डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ. डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ. ये हो गया एक्स. एक्स इज अ सिंबल फॉर फ्रिंज विड्थ. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा टू फर्स्ट मैक्सिमा विल बी एक्स. ये तो आपको पता होगा ना. अब मैं ऐसी पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत काम आएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को. सी यहां पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वी आर हैविंग मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन. यही मैं यहां पे शो करता हूं. सी अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखना. सी ये जो स्क्रीन है मैंने यहां पे शो किया है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा. ओके इसके बाद आता है फर्स्ट मिनिमा, जिसको आप डार्क पॉइंट भी बोल सकते हो. आई कैन से फर्स्ट डार्क. फिर आता है फर्स्ट ब्राइट. उसके बाद सेकेंड डार्क. आपको चाहिए तो मेरे साथ ये बना लो. और सेकेंड डार्क के बाद क्या आएगा? सेकेंड ब्राइट.
बराबर, और सेम इस तरफ भी होगा सेंट्रल, दिस सी इज अ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट है, इसके इस तरफ भी सेम होता है। सेंट्रल ब्राइट के लेफ्ट साइड पे जाएंगे सो इट विल बी फर्स्ट डार्क, उसके बाद आएगा फर्स्ट ब्राइट, अगेन सेकेंड डार्क एंड सो ऑन। तो ये आप बना सकते हो इजिली। नाउ ध्यान से सुनो, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंटर, सेंटर भी ब्राइट होता है और ये भी फर्स्ट ब्राइट है, ब्राइट से ब्राइट तक का डिस्टेंस होता है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स है सो ये डिस्टेंस देखो, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम सेंटर, ये होगा 0.5x बराबर। सो कैन आई से डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम सेंटर इज 0.5x एंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंटर इज 1x। ठीक है, अब देखो यहां पे, इट इज ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ब्राइट टू सेकेंड ब्राइट, सो वट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रॉम सेंटर, 2x। सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस कितना है, 2x। ठीक है, अब सी फर्स्ट डार्क से लेके सेकेंड डार्क तक, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम डार्क टू डार्क, इट विल बी फ्रिंज विड्थ x। Now look at it. What's the distance of second dark from center? Distance of second dark from center, it is 1.5x. X plus 0.5x, 1.5x. Distance of second dark from center is 1.5x. ठीक है? तो अगर आप ये बना लोगे ना, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा। ध्यान से देखो पैटर्न। फर्स्ट ब्राइट का जो डिस्टेंस है, वो x है। I am always measuring from central bright. Central bright से first bright तक का क्या distance है, x. Central bright से second bright तक का क्या distance है, 2x. Similarly, central bright से third bright का क्या distance होगा, 3x. Central bright से fourth bright तक क्या distance होगा, 4x. Central bright से nth bright तक क्या distance होगा, nx. लिख लो, मैं फिर से नहीं बताने वाला। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंटर विल बी nx। यहां पे x फ्रिंज विड्थ को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वापस सुन लो, फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 1x, सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 2x, थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3x। तो सिमिलरली nth ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर nx। बात समझ में आई, लिख लो ये, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंटर इज nx। अब याद रखना ये चीज, आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द डार्क, यहां पे देखो आपको दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम सेंटर कितना है, 0.5x। तो देखो डार्क का नंबर क्या है, डार्क इज फर्स्ट, और लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1x नहीं है, 0.5x है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रॉम सेंटर, सेकेंड डार्क का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेकेंड डार्क का कितना है, x प्लस 0.5x, दैट इज 1.5x। यहां पे 2 है, डिस्टेंस कितना है, 1.5 है, मतलब 0.5 पीछे जाओ। सिमिलरली पता है क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क, थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर विल बी 2.5x। यहां से आपको एक रिजल्ट पता चलेगी, वो रिजल्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको रिजल्ट ये मिलेगी दैट डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम सेंटर, वो कितना होगा पता है, इट विल बी n माइनस 0.5 करो,
एन में से हाफ सब्ट्रैक्ट करो इनटू एक्स, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पे देखो आप करके देखो, एन की वैल्यू सपोज टू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट एन वैल्यू टू, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रॉम सेंटर विल बी, यहाँ पे एन टू सब्स्टिट्यूट करो, टू माइनस पॉइंट फाइव कितना हुआ 1.5 एक्स, ठीक है, ऐसे होता है. 0.5 पीछे जाना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. सो एक ऐसे दिखा दे, याद करो, सपोज एन की वैल्यू अगर आप 10 डालोगे, पुट एन वैल्यू 10, डिस्टेंस ऑफ 10th डार्क फ्रॉम सेंटर विल बी, यहां पे 10 सब्स्टिट्यूट करो, 10 माइनस 0.5 9.5. सो 10th डार्क का डिस्टेंस होगा 9.5, आधा कम करो, 10 में से हाफ कम करो. डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क कितना हुआ 1.5x, 2 है, 2 में से हाफ कम कर दो 0.5, तो मतलब एवरी टाइम वी हैव टू सबट्रैक्ट द हाफ. गॉट दिस क्लियर? ये डार्क के लिए हमने लिखा, ब्राइट के लिए क्या करना है, यहीं पे मैं कन्वर्ट, यहीं पे मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंटर विल बी nx, that's it. ठीक है, तो यहां पे अभी आप n2 डाल के देखो, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रॉम सेंटर, सेकेंड के लिए ये n2 डालेंगे, इट बी 2x. डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम सेंटर, थर्ड ब्राइट 3x, टेंथ ब्राइट 10x, लेकिन टेंथ डार्क, सो इट विल बी 9.5x. बात समझ में आई? Is that very clear? Clear है ये? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको क्वेश्चन पूछूंगा, जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा, वही स्टूडेंट माइक ओपन करेगा और आंसर देगा, ठीक है? डोंट आंसर, जिसको मैं बोलूंगा वही आंसर देगा. हाँ, I just want to know what's the distance of 12th dark band from center. देख लो, ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, आंसर देगा अखिल, अखिल शेडो 306 जिसका आईडी है, अखिल शेडो 306. हाँ सर. हाँ अखिल, इसका आंसर दे सकते हो जो मैंने क्वेश्चन पूछा? व्हाट्स द डिस्टेंस ऑफ 11th डार्क फ्रॉम सेंटर? मैंने अभी अभी जो बताया, दे सकते हो क्या आंसर? जल्दी बताओ. हाँ सर. बोलो. डू नॉट वेस्ट माय टाइम, इसका आंसर एक स्टेप में आता है. आता है तो जल्दी बोल. सर नहीं मिल रहे. हाँ नहीं आ रहे सर. हाँ बेटा, भले आप, मैं आपको सामने नहीं हो मेरे, मैं 2 मिनट में पकड़ सकता हूँ किसका ध्यान है किसका ध्यान नहीं है. आपको ही क्यों पकड़ा पता है? क्योंकि मुझे पता है आपका ध्यान नहीं है. माइक ऑफ कर. अवधेश ठाकुर, अवधेश ठाकुर. सर 11.5 एक्स. अवधेश ठाकुर. यस सर 11.5. 11.5 सेंटीमीटर की मीटर क्या? 11.5 वो 11.5 वो फ्रिंज विद एक्स, जो भी है डिस्टेंस. एक्स क्या होता है? पता है? एक्स फ्रिंज विद है. चलो गुड, थैंक गॉड आप ध्यान दे रहे हो. चलो थैंक यू. क्लोज द फोकस. सो अवधेश ठाकुर बता रहा है कि डिस्टेंस ऑफ nth 11th डार्क, सॉरी डिस्टेंस ऑफ 12th डार्क विल बी 11.5x. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट है. ठीक है, तो याद रखो स्टूडेंट, सेंटर से आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो 12th डार्क का डिस्टेंस होगा 11.5x. 12 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करो, 12 माइनस हाफ विल बी 11.5. सो आई होप ये क्लियर है. गेटिंग? इंटरफेरेंस में मैं और पॉइंट्स बताऊंगा, बट लेट्स सॉल्व वन स्मॉल न्यूमेरिकल ऑन इंटरफेरेंस. एक छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. See, this is numerical in front of you. I hope you can see to it. Note down kar lo.
नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Yeah, note it down. Okay, Kalia, note down. Okay, done. Clear? Chalo, ab isko dekhte hain. लेट्स सी दिस वन. यहां पे आप ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूं. आई एम ड्राइंग द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. सी, थिंक इट्स अ स्क्रीन. इट्स अ स्क्रीन. दिस इज एस वन एस टू. डिस्टेंस बिटवीन एस वन एस टू इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी सिंबल. जो यहां पे गिवन है 5 सेंटीमीटर, इट्स स्मॉल डी. सी, दिस विल बी सेंट्रल ब्राइट पॉइंट. सेंट्रल ब्राइट पॉइंट एस वन एस टू के एकदम बीच में होती है. लुक एट द पी पॉइंट. पी पॉइंट इज नॉट अ सेंट्रल ब्राइट. पी पॉइंट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एस वन. P point is exactly in front of S1. दिख रहा है? तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? P point पे क्या occur हो रहा है? P point पे first minima occur हो रहा है. लिखा है ना, if first minima occurs directly in front of one of the slits. तो suppose S1 के सामने ये point है, यहाँ पे first minima occur हो रहा है. P point पे क्या occur हो रहा है? First minima. मतलब P पॉइंट पे फर्स्ट डार्क पॉइंट है. ठीक है, यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ. तो ध्यान से देखो, सी दिस डिस्टेंस. इट्स अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो मैंने डिस्टेंस यहां पे शो किया, देखो, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंटर. है ना, ये डिस्टेंस क्या है? इट्स अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंटर. बताओ ये कितना होता है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? एनीबडी टाइप करके बताओ. 0.5x. यस, ये डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम सेंटर. फर्स्ट डार्क ना, तो इट विल बी 0.5x. ये डिस्टेंस 0.5x होगा. बट ध्यान से देखोगे ना, ये डिस्टेंस है ना, ये अगर यहां पे देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा, ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो स्मॉल डी बाय टू. ये स्मॉल डी है, ये कितना होगा? स्मॉल डी बाय टू. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल डी बाय टू. स्मॉल डी बाय टू मतलब 0.5 स्मॉल डी. तो ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, ये स्मॉल डी का हाफ है. तो दिस सेम डिस्टेंस इज ऑल्सो 0.5 स्मॉल डी. 0.5 कट हो गया. एक्स की, एक्स इज अ फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला आप सबको पता होगी. इट इज दिस वन इक्वल टू स्मॉल डी. तो देखो, आप इसमें से लैम्बडा निकाल सकते हो ना. लैम्बडा विल बी डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी. करेक्ट. इसमें जो डी है, इट इज 5 सेंटीमीटर. तो 5 का स्क्वायर इट विल बी 25. और कैपिटल डी जो है, इट इज 12 सेंटीमीटर. सो 25/12 विल गिव अस वेवलेंथ ऑफ लाइट. इसको सॉल्व करके वेवलेंथ आ जाएगा. आई थिंक इट विल बी 2.0 समथिंग में आएगा. 2.0 समथिंग विल बी द आंसर. स्मॉल डी इज गिवन 5, कैपिटल डी इज गिवन 12. तो डालने पे, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा. क्लियर?
आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. समझाइए. हाँ क्लियर. कल भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेकिन आज मेरा ज्यादा फोकस थियरी के ऊपर है. आई वांट टू कवर मैक्सिमम थियरी टुडे. तो मैं नेक्स्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती है बट जेई और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. एंगुलर पोजिशन, एंगुलर पोजिशन डिनोटेड बाय द सिंबल थीटा. एंगुलर पोजिशन डिनोटेड बाय थीटा सिंबल, नोट इट डाउन. अब ये एंगुलर पोजिशन क्या होता है, सी इमेजिन एक स्क्रीन है, इट्स अ स्क्रीन. अरे S1 S2 आर द टू सोर्सेस. ठीक है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा या इसको आप सेंट्रल ब्राइट बैंड बोल सकते हो. अब देखो एज यू गो अपवर्ड्स, एज यू गो अपवर्ड यू विल गेट अ फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, देन सेकेंड ब्राइट. ऐसे करते करते सपोज अल्टीमेटली आई रीच टू द प्लेस, यहां पे हम लोग ने एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे है nth ब्राइट. लेट्स से यहां पे nth ब्राइट है. ठीक है, बाद में हम लोग nth डार्क भी ले लेंगे बट लेट सपोज इट इज nth ब्राइट राइट नाउ. ठीक है, अब ध्यान से देखो. ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, अभी nth ब्राइट को ज्वाइन करो यहां पर लाइक दिस. ठीक है, सो यहां पे जो ये एंगल बन रही है, सी आई कैन से दैट दिस थीटा इज अ एंगल मेड बाय nth ब्राइट ऑन द सेंटर ऑफ द स्लिट्स. ये S1 S2 के बीच में यहां पे ये जो nth ब्राइट है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. कभी कभी एग्जाम में आपको ये थीटा एंगल पूछी जाएगी, यू नीड टू फाइंड थीटा एंगल ऑल्सो. ठीक है, तो आपको थीटा का नॉलेज होना चाहिए. ये है थीटा एंगल मेड बाय nth ब्राइट. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं थीटा nth, थीटा nth. अब ये कैसे फाइंड होगी, अब जिन स्टूडेंट का ध्यान है उनको याद होगा डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंटर इज nx, बराबर ना. डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंटर इज nx, दिस इज कैपिटल डी. ठीक है, नाउ हियर इफ यू अप्लाई साइन थीटा, अगर आप साइन थीटा अप्लाई करोगे, हियर आई एम राइटिंग साइन थीटा अप्लाई करो, सॉरी सॉरी नॉट साइन थीटा, अप्लाई टेन थीटा. इफ आई अप्लाई टेन थीटा, टेन थीटा आप ध्यान से लगाओ, टेन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, it will be nx by d. ठीक है, x is given by lambda d by d, x fringe width है, x is given by lambda d by d. तो यहां पे देखो we need the value of x upon capital d, यहां से आप x upon capital d निकालो, x upon capital d will be lambda by small d, यहां पे डालेंगे n lambda by small d. ठीक है, 10 थीटा. नाउ एक्चुअली में क्या होता है, इन रियलिटी इफ यू डू दिस प्रैक्टिकली, अगर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करोगे, प्रैक्टिकली ये जो थीटा है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, थीटा इज नॉट टू लार्ज, वी कैन अज्यूम दैट थीटा इज स्मॉल. प्रैक्टिकली थीटा बहुत छोटी मिलती है, इट इज स्मॉल. अगर थीटा स्मॉल है ना तो 10 थीटा कैन बी रिटन एज जस्ट थीटा इन द रेडियंस. स्मॉल एंगल के लिए ऐसा किया जा सकता है दैट 10 थीटा विल बी नियरली सेम एज थीटा. थीटा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना है थीटा फॉर द फर्स्ट ब्राइट बैंड,
यू वांट टू फाइंड थीटा फॉर द फर्स्ट ब्राइट बैंड, तो ये n आप 1 डाल दोगे ना, कितना आएगा लैम्डा बाय डी. इफ यू वांट टू कैलकुलेट थीटा प्रोड्यूस बाय सेकंड ब्राइट बैंड, तो आप थीटा n क्या डालेंगे, 2 डालेंगे. ओके okay, और ऐसे आता जाएगा. सो ऐसे याद कर सकते हैं, फर्स्ट ब्राइट है वो लैम्डा बाय डी एंगल बनाता है एट द सेंटर, सेकंड ब्राइट बैंड कितना एंगल बनाता है, 2 लैम्डा बाय डी. ठीक है, क्लियर. देखो यहां पे मैंने आपको ब्राइट का आइडिया दिया है, हियर आई टुक nth ब्राइट. एग्जाम में यहां पे nth डार्क भी हो सकता है, दे कैन आस्क यू द एंगल मेड बाय nth डार्क. अभी आपको ये नॉलेज आ गया, अब आप डार्क का खुद भी कर सकते हो. यहां पे इफ यू टेक nth डार्क, इफ यू टेक nth डार्क, सो यहां पे क्या आएगा, nth डार्क का जो डिस्टेंस होता है इट विल बी n माइनस 0.5x, बराबर ना, इट विल बी n माइनस 0.5x. इधर भी ये फॉर्मूला में खाली n नहीं आएगा, इट विल बी n माइनस 0.5 आ जाएगा. तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, थीटा फॉर nth डार्क विल बी n माइनस 0.5 ना, मतलब n माइनस 1/2 लैम्बडा बाय स्मॉल डी. ये डार्क के लिए होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज को. क्लियर, श्योर, इज इट क्लियर, नोट इट डाउन. सो ये जो थीटा एंगल है, दिस थीटा एंगल इज नोन एज एंगुलर पोजीशन. इन द एग्जाम इफ दे आस्क यू what is the angular position of the first maxima, angular position of the first maxima, तो ये n आप 1 डाल देना. ठीक है, एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला याद नहीं पड़ रही है, इट्स ओके, यू वोंट बिलीव, मुझे भी ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन ये मेथड पता होना चाहिए कि कैसे थीटा कैसे निकालना है एंड व्हाट इज एग्जैक्टली थीटा, वो समझ में आना चाहिए. तो अंडरस्टैंड द मेथड, डोंट सिंपली मग अप द फॉर्मूला, समझना ज्यादा जरूरी है, समझ के लो कैसे हुआ. क्लियर, चलो नेक्स्ट एक बहुत छोटा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं. आई एम कवरिंग अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी एक्चुअली में बड़ा टॉपिक है. टुडे आई विल गिव जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. इंट्रोडक्शन आज कर लेते हैं, कल इसको पूरा फिनिश करेंगे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, see intensity of light is denoted by I symbol. ठीक है, अब intensity क्या होती है, intensity किसी एक point पे निकाली जाती है. You need to find intensity at a one point. Suppose यहां पे एक point है, पहले मैं आपको intensity का मतलब बता देता हूँ. Student ऐसे होते हैं, वो question solve करते हैं intensity के, but उनको intensity क्या होती है exactly वही नहीं पता होता है. Let me tell you meaning of intensity today. सपोज ये P पॉइंट है, यहां पे लाइट की वेव आ रही है. इट कैन बी लाइट वेव और इनफैक्ट इट कैन बी एनी वेव, कोई भी वेव हो सकती है, लाइट वेव भी हो सकती है. अब वेव आ रही है ना, एवरीबडी नोज दैट वेव्स कैरी एनर्जी, वेव्स में एनर्जी भी होती है, वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेव आ रही है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है. द एनर्जी इज इंसिडेंट एट द P पॉइंट ना, एनर्जी पी पॉइंट से पास हो रही है, या एनर्जी पी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे बोल सकता हूं. सो अभी ध्यान से देखो, पी पॉइंट के आसपास अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं, इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल एरिया अराउंड पी पॉइंट, ये एरिया है सपोज 1 meter square का. एक्चुअली 1 meter square काफी बड़ा एरिया होता है, वैसे इमेजिनरी लेना है आपको. थिंक एक एरिया ले लिया मैंने 1 meter square एरिया, 1 meter square एरिया को मैं यूनिट एरिया भी बोल सकता हूँ. इस एरिया पर जितनी एनर्जी गिरेगी, जितनी एनर्जी इस एरिया पर गिरेगी एक सेकेंड के अंदर, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं. जितना एनर्जी एक यूनिट एरिया पर गिरता है एक सेकेंड में, द एनर्जी दैट इज इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया इन द पर सेकेंड टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव. इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, द एनर्जी विच इज इंसिडेंट पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया ऑफ यूनिट टाइम, इस चीज को बोलते हैं इंटेंसिटी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. क्लियर. वेव चैप्टर में भी आपका जो अलग से साउंड वेव चैप्टर है उसमें भी इंटेंसिटी का डेफिनेशन यही होता है. क्लियर. नेक्स्ट एक चीज याद रखो, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, इंटेंसिटी क्या होता है मैंने समझा दिया, इट्स एनर्जी इंसिडेंट ऑन एनी पॉइंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. और ये एनर्जी कौन कैरी करके लाता है, वेव कैरी करके लाता है. सो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वेव याद रखो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, एन इज अ फ्रीक्वेंसी, एंड इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ठीक है, अब एक बात, हम लोग इंटरफेरेंस डिस्कस कर रहे हैं. इंटरफेरेंस में देर आर टू सोर्सेस, एस वन एस टू. आपको मैंने पहले बताया था द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न लाने के लिए दीज टू सोर्सेस मस्ट बी कोहरेंट. कोहरेंट होना कंपल्सरी है, ये दोनों सोर्सेस कोहरेंट होने चाहिए. कोहरेंट मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी ना. सो एटलीस्ट इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर ऑफ इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज सोर्सेस विल बी सेम. अगर इन दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी एक ही है, कॉन्स्टेंट है, तो ओनली फॉर दिस सोर्सेस आई कैन से इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ये पॉइंट आपको पता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ठीक है, बस एक छोटी लास्ट पॉइंट है, लेट मी फिनिश दैट, उसके बाद हम लोग बाकी कल कवर करेंगे. सी वन लास्ट पॉइंट, लुक हियर, लास्ट पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टू इट. सपोज एस वन एंड एस टू आर टू सोर्सेस, ड्रॉ कर लो, या ड्रॉ दिस, एस वन एस टू आर टू सोर्सेस, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कोई भी पॉइंट पी ले लिया, यहां पे सपोज लाइट फ्रॉम एस वन जब गिरेगी ना, जो लाइट फ्रॉम एस वन गिरेगी, द इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव इज लेट से आई वन, इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव इज आई वन. और सपोज अभी एस वन सोर्स नहीं है, एस टू सोर्स है, एस टू सोर्स से जो वेव आ रही है, द वेव कमिंग फ्रॉम एस टू सोर्स, वो वेव की जो इंटेंसिटी है वो आई टू है एट पी पॉइंट. सो आई वन एंड आई टू आर द इंटेंसिटीज ऑफ दीज टू इंडिविजुअल वेव्स. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसको आंसर आ रहा होगा वो माइक ओपन करके बता सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब पी पॉइंट पे ये दोनों वेव एक साथ अराइव होंगी, बोथ वेव्स अराइव एट अ पॉइंट, दीज वेव्स विल ओवरलैप ईच अदर, दीज वेव्स विल ओवरलैप, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. ये दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगे ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एनीबडी नोस? आवाज नहीं आ रहा है, अच्छे से बोलो. यस सर, बोले आपको जो आता है बोलो. दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगे पॉइंट पे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा बोलो सर. सर अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कॉस थीटा. हाँ, तो एक स्टूडेंट बोल रहा है अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कॉस थीटा. हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया आपका, थोड़ा गड़बड़ है. अंडर रूट ऑफ आपने बराबर बोला, लेकिन अंदर आई वन स्क्वायर नहीं, ए वन स्क्वायर होगा. सी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, लुक हियर, formula will be I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 उसके बाद cos theta.
ये फॉर्मूला है, रिजल्टेंट डेंसिटी इज गिवन बाय आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस थीटा। कल हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि शायद बहुत सारे स्टूडेंट को शायद नहीं पता ये, कल हम लोग प्रूफ भी करेंगे। टुडे आई जस्ट गिव इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेंसिटी, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। बट अगर चाहिए तो फॉर्मूला नोट कर लो प्लीज। ये फॉर्मूला क्या है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट व्हेन द टू वेव्स ओवरलैप, आई वन आई टू टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस थीटा। कल मैं इस फॉर्मूला के बारे में और डिस्कशन करूंगा, दैट व्हाट इज दिस थीटा, हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स वी विल डिस्कस टुमारो। आज हमने इंटेंसिटी तक चालू किया है, कल इसको फिनिश करेंगे। लेकिन आज जो भी बताया मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज नोटेड डाउन ऑल दिस थिंग्स। और कुछ मिस हुआ है तो बोलो, मैं वो दिखा देता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट इन टुडेस टॉपिक, एनीबडी? ठीक है, तो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कितने स्टूडेंट का ध्यान है किसका नहीं है, मैं क्या करूंगा, कल जब मैं आऊंगा फर्स्ट 5 मिनट्स आई कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम टुडेस टॉपिक। जो मैंने आज सिखाया उसमें से कुछ भी कल पूछ सकता हूं मैं। अगर आपका आंसर कल नहीं आया, यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लेक्चर, देन आई विल कंटिन्यू। आपको बाहर निकालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आओ, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं तो आगे करने का भी मतलब नहीं है। फिर फिनिश दिस टॉपिक, थोड़ा रिवाइज करो, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है कमलेश सर, सर हैं क्या कमलेश सर?